بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هر طرح کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور پھر زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا. ہمارا رواں رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مظہر ہے. انہیں نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کا ہم عن قریب استقبال کرنے والے ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہوں سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنے اقوال سے اپنے اعمال افعال سے ہماری رہنمائی کی کہ ہم اس عظیم الشان مہینے کس طرح سے نیکیوں کا سیزن نیکیاں کمانے کا سیزن بنا سکتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے فضائل اور خصوصیات کی وجہ سے دیگر مہینوں سے ممتاز قرار دیا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر وہ عظیم رات یعنی شب قدر ہے
जिसमें एक रात के इबादत करना 1,000 महीने इबादत करने से बेहतर है। अगर आप 1,000 महीने का हिसाब लगाएंगे तो 83 साल 4 माह बनते हैं। एक आम आदमी को इतनी उम्र नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला का इस उम्मत पर कितना फजल व करम है कि उसने ये अजीम रात इनायत फरमाई। इस अजीम महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इस महीने में नेकियों का अजर व सवाब पहले के बनिस्बत ज्यादा कर दिया जाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने बंदे के अमल को पसंद करे तो 1 से लेकर के 700 गुना उसको अजर व सवाब अता करता है। यानी अगर कोई बंदा 1 रुपया खर्च करता है तो उसको 700 रुपया खर्च करने का सवाब मिलता है, जबकि आम दिनों में 1 से लेकर के 10 गुना तक के सवाब मिलता है। इस महीने के ये ऐलान होता है, या बागी अल खैर अकबिल व या बागी अल शर अदबिल, ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़, ऐ शर के तलबगार शर के मुतलाशी पीछे हट। इस महीने की हर रात में अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता करता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला रोज़ाना जन्नत को सजाता है, संवारता है और फिर उसको मुखातब करके कहता है कि मेरे बंदे अपने गुनाहों से माफ़ी मांग करके और मुझे राजी करके तेरे पास आने वाले हैं। इस महीने के आखिरी रात में अल्लाह तबारक व ताला रोज़ेदारों की मग़फ़िरत फरमा देता है, अगर उन्होंने सही तरीके पे रोज़े के तकाज़ों को अदा किया होगा। रोज़ेदार जब तक रोज़ा इफ्तार नहीं कर लेते उस वक्त तक फरिश्ते उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा, महबूब और अजीज़ है। ये इस महीने के चंद खसूसियात हैं जिससे ये मालूम होता है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान होता है। और ये महीना सिर्फ चंद दिनों के लिए बतौर मेहमान हमारे पास आने वाला है और हम जब किसी मुअज्ज़ज़ किसी हरदिल अज़ीज़ मेहमान का इस्तकबाल करना होता है, हमारे यहाँ किसी मेहमान की आमद होती है तो हम अपने घरों को सजाते हैं, अपने घरों की जीनत व आराइश करते हैं, हमारे चेहरे पर खुशियाँ मचल रही होती हैं, दिल बाग बाग रहता है और हमारी आँखें रास्ते में बिछी होती हैं। क्या इस अजीम मेहमान की आमद पर भी हमारे दिल में वही कैफियत पाई जाती है? सवाल ये है कि हम इस अजीम मेहमान का इस्तकबाल कैसे करें? क्या उसी तरह से जिस तरह से हर महीने का इस्तकबाल अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी और गफलत की हालत में करते हैं, या ये कि इस अंदाज से इस आज़म के साथ कि हम इस महीने के फजीलतों को उसकी बरकतों को हासिल करेंगे और जन्नत में दाखिले के और जहन्नम से आज़ादी के अपने आप को मुस्तहिक बना लेंगे? अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे उसका इस्तकबाल ऐसे ही करते हैं कि वह गफलत के पर्दे चाक कर देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में तौबा इस्तगफार करके ये अज़्म सादिक करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो एक बार फिर इस महीने की बरकतों और सआदतों से हमें नवाजा है तो हम इसको गनीमत समझते हुए उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, अपने वक्त को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने, आमाल सालिहा बजा लाने
और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने के लिए सर्फ करेंगे। मेरे भाइयों, अगर हम गौर करें तो इस महीने का मिलना ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा फजल व करम है। हम सोचें कि पिछले रमजानों में हमारे कितने जानने वाले, कितने शनासा, कितने दोस्त अहबाब, कितने अकबा हमारे साथ थे, आज वो हमसे बिछड़ चुके हैं, मनो मिट्टी के नीचे दफन हैं, कीड़े मकोड़ों की खुराक बन चुके हैं, माल औलाद शानदार कोठियां सब कुछ छोड़कर जा चुके हैं, आमाल के सिवा अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके हैं। हमारे कितने ऐसे चेहरे थे जिनको गुज़िश्ता रमजान में हमने सही सलामत देखा है, देखा था, आज बिस्तरे मर्ग पर पड़े मौत और हयात के बीच हचकोले खा रहे हैं। और क्या खबर ये रमजान हमारे लिए आखिरी रमजान हो। इसलिए ये सोचकर हम इस महीने का इस्तकबाल करें कि हो सकता है ये रमजान हमारे लिए आखिरी रमजान हो, इसलिए उसका इस्तकबाल खैर खूबी के साथ करें और उसका मुकाम, उसकी आजमत, उसकी फजीलत, उसका मकसद, उसका पैगाम अपने दिलों में, अपने जहनों में ताजा करें, ताकि उसके बरकात से भरपूर हम फायदा उठा लें और पुख्ता आजम करें कि हम अपने अंदर तकवा की सिफत पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो कि रोजे का माहसल है। इस महीने के इस्तकबाल के लिए चंद चीजें मुस्तहब हैं। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें सेहत व सलामती के साथ इस महीने तक पहुंचाए और सेहत व सलामती के साथ इस महीने से ज्यादा फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। सलफ़े सालहीन के बारे में आता है कि वो 6 माह तक अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, के अल्लाह हमें रमजान की सआदत अता फरमा। और जब रमजान आ जाता था तो भरपूर मेहनत करते थे आमाले सालिहा बजा लाने में, और जब रमजान गुजर जाता था तो 5 महीने तक अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं किया करते थे कि अल्लाह हमने रमजान में जो रोजे रखे हैं, जो आमाले सालिहा बजा लाए हैं, ऐ अल्लाह तू उनको कबूल फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमलों का दारो मदार नीयत पर है, नीयत के मुताबिक मामला किया जाता है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि जब कोई बंदा नेक अमल का इरादा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नामे आमाल में नेकी लिख देता है। इसलिए रमजान की आमद से पहले पहले अपनी नीयतों को हम दुरुस्त कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस महीने में आमाल सालिहा करने की नीयत कर लें कि ये महीना आते ही हम कुरान करीम की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करेंगे, सदकात व खैरात अदा करेंगे, आमाल सालिहा नवाफिल मुस्तहब्बात की पाबंदी करेंगे, तौब व इस्तिग़फ़ार करेंगे, अज़कार और दुआ की पाबंदी करेंगे और लोगों से मामलात को दुरुस्त करेंगे, ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारे आमाल के मुताबिक हमें, हमारे नियतों के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला हमें अज्र अता फरमाए। हम रमज़ान के आने से पहले ही अपने मामूलात की तहदीद कर लें, उन मामूलात का जो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक हैं, इसी तरह उन मामूलात की भी तहदीद कर लें जो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हैं, उन मामूलात की फहरिस्त बना लें जिन्हें रमज़ान में हमें करना है। और अगर ड्यूटी के तकाजे भी हैं, ड्यूटी की वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं पा सकते रमज़ान के लिए, रमज़ान से फ़ायदा उठाने के लिए, उसमें इबादत करने के लिए, तो हम ये देखें कि हम अपने किन किन मामलात को, किन किन मामूलात को रमज़ान के खातिर छोड़ सकते हैं, किन किन मामलात को हम रमज़ान के लिए मुअख्खर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रमज़ान में इबादत करने के लिए हम निकाल सकें। रमज़ान से के महीने से फैज़याब होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम तौबा करें, तमाम गुनाहों से रुक जाएं, अल्लाह तबारक व ताला से सच्चा मुआहदा करें
कि हम इन गुनाहों के दलदल के करीब नहीं जाएंगे, तभी हम इसके अहल होंगे कि रमजान का शायान शान हम इस्तकबाल कर सकें। आप जानते हैं कि आप किसी जमीन से अगर लहलहाती खेती और रंगारंग के मुख्तलिफ किस्म के महकते फूल के खिलने की उम्मीद रखते हैं या चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस ज़मीन को झाड़ झंकार से साफ करें, ईंट रोड़े निकाल फेंकें, ज़मीन को नरम करें, तभी आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं संगलाख ज़मीन से और झाड़ झंकार से अटी हुई ज़मीन से आप लहलहाती खेती या रंगारंग फूल की तवक्को नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप संजीदा हैं कि आप दिल की सरजमीन में नेकियों की बहार लाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि दिल को तौबा के ज़रिए, इस्तग़फ़ार के ज़रिए दिल की सरजमीन को पूरी तरह पाक साफ कर लें, तभी आपके दिल की सरजमीन में नेकियों और भलाइयों की बहार आ सकती है और तभी आप उससे फैज़याब हो सकते हैं। इस शर्त के पूरी करने के बाद ही आप इस बात के आल होंगे कि रमज़ान का शायान शान इस्तकबाल कर सकें और रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप पूरी तरह से पुख्ता अहद कर लें, पूरी तरह से आप पुख्ता अहद कर लें और ये सोच लें कि रमज़ान का ना तो एक रोज़ा छूटने पाएगा और ना ही रमज़ान के एक रात की तरावी हमसे छूटने पाएगी। मेरे भाइयों, रमज़ान की तैयारियों से ये मतलब नहीं कि हम कपड़े बनवा लें, खाने पीने का इंतज़ाम कर लें, नहीं मेरे भाइयों, दीनी उमूर की तैयारी करें। अभी से कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर दें, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में रहने वालों की खबरगीरी करें, अपने घर वालों को इस बात की तलकीन करें कि हमारे पड़ोस में कोई शख्स भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई शख्स, कोई मरीज इलाज के अखराज ना होने की वजह से कहीं मौत के मुंह में तो नहीं जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक, उनके हकूक़ की अदायगी की आपने बड़ी ताकीद की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के हकूक़ की अदायगी की इतनी ज़्यादा ताकीद की कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो हमारे माल में उनको वारिस बना देंगे। इस महीने के आते ही, इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े कुशादा दस्त हो जाया करते थे, आपका जूद व सखा इस महीने में बढ़ जाया करता था। अमूमन देखा यह जाता है कि हमारे दरवाजे पे जो फकीर आते हैं उनको तो हम कुछ दे दिया करते हैं, लेकिन वो सफ़ेद पोश जो शर्म हया की वजह से, खुददारी की वजह से सवाल नहीं कर सकते, हम उनका ख्याल नहीं रखते। जबकि कुरान करीम में ऐसे लोगों को ज़्यादा देने की, उन पर ज़्यादा तवज्जो करने की तलकीन और ताकीद आई है। जो लोग शर्म हया की वजह से, खुददारी की वजह से दस्त सवाल दराज नहीं करते, हालांकि उसके ज़्यादा मोहताज होते हैं। हमारे सदकात और खैरात का ज़्यादा हिस्सा उन्हीं लोगों के नज़र हो जाता है जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि वो लिपट कर चिमट कर मांगने वाले हैं, यानी जब तक आप उनको दे नहीं देंगे तब तक आपकी जान नहीं छोड़ते। ये लोग तो पेशावर होते हैं, वो तो अपना हक किसी ना किसी तरह से वसूल कर लेते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा तवज्जो उन लोगों की तरफ देनी चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर के पास, हमारे पड़ोस में वो मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, लेकिन शर्म हया और खुददारी की वजह से वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मेरे भाइयों, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग रमज़ान का के दिन का अक्सर दौरानिया सोने में, गफलत में गुजार देते हैं और रात का अक्सर हिस्सा फजूल महफिलों, बेकार बातों या बिला मकसद टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठकर गुजार देते हैं। और कितने तो बदबخت ऐसे होते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी पूरी ना होने की वजह से गमगीन और उदास नज़र आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लत में मुब्तला होते हैं और वो पूरी ना होने की वजह से बुझे बुझे नज़र आते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हर मुसलमान को इस महीने की आमद पर खुश होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की
बहुत अजीम नेमत है। ये गिनती के सिर्फ चंद दिन हैं जिन्हें गुनाहों को धोने के लिए और ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग रमजान में ऐसे नजर आते हैं कि जैसे रोजा रख करके कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सर पे उठाए हुए हैं, हर वक्त देखे मूड खराब रहता है, तिवरियां चढ़ी होती हैं, मामूली मामूली बात पर तेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, गाली गुलूच देने पे आमादा हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाते हैं। जबकि रमजान का ये महीना ये सब्र का महीना है, नफ्स की तरबियत का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स रोजा रखे और अगर कोई शख्स उससे गाली गलौज लड़ने भिड़ने के लिए आमादा हो तो वो सब्र करे, कह दे कि इन्नी साइम, कि मैं रोजे से हूं। इसी तरह बहुत से लोग रमजान के या रोजों के मसाइल से लाइल्म होते हैं और गफलत की वजह से या लाइल्मी की वजह से लोगों के देखा देखी ऐसी गलतियों में मुब्तला हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके रोजे का अजर व सवाब जाया हो जाता है या ये कि अपने रोजों को फासिद कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में शर्म और हया को बालाए ताक रखकर जरूरी यह है कि आप अहले इल्म से उन मसाइल के बारे में आप सवाल करें, और आपकी कोशिश ये हो कि रमजान में किया जाने वाला आपका अमल किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये माल गनीमत अता किया है उससे हम भरपूर फायदा उठा सकें, अल्लाह तबारक व तआला की ज्यादा से ज्यादा रहमतों को लूट सकें। रमजान के बारे में ये बात और आप जहन नशीन कर लें कि तमाम नशा आवर चीज बिल इत्तेफाक हराम है। मुख्तलिफ किस्म की नशा के इस्तेमाल से जो मुंह से बदबू पैदा होती है उससे इंसान और फरिश्ते तकलीफ महसूस करते हैं। उमूमन देखा यह जाता है कि लोग गुटखा, सिगरेट, नस्वार वगैरह से ही रोज़ा जैसी अजीम इबादत को इफ्तार करते हैं और जब मस्जिद में आते हैं तो उनके हाथ में सिगरेट हाथ में लिए होते हैं या मुंह में गुटखा होता है और मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचकर सिगरेट को फेंकते हैं या गुटके को थूकते हैं और मस्जिद में इस हाल में पहुंचते हैं कि उनके मुंह से बदबू आ रही होती है और जो बगल में नमाज पढ़ते हैं उनका नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बदबूदार चीज इस्तेमाल करके मस्जिद में आने से मना किया है। कच्चा लहसुन खा करके आने से, प्याज खा करके, मूली खा करके आने से मना किया है ताकि लोगों को और फरिश्तों को तकलीफ ना हो। और आप जानते हैं कि जिनको सिगरेट नोशी की आदत नहीं होती है उन्हें लहसुन, प्याज और मूली से ज्यादा सिगरेट के बदबू से तकलीफ होती है। इसलिए हम कोशिश करें कि रमजान रोजा जैसी मुकद्दस इबादत को उन चीजों से इफ्तार करें जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए हलाल करार दिया है, हमारे लिए पाकीज़ा करार दिया है। ये चंद चीज़ें थी जो रमज़ान के मुताल्लिक जो वो रमज़ान के इस्तकबाल के मुताल्लिक थी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम रमज़ान का शाया निशान इस्तकबाल कर सकें और रमज़ान से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم।